दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और शानदार मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत हुई। इस मैच में होम टीम राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए सीएसके के सामने 202 का लक्ष्य खड़ा किया। आरआर की ओर से शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल ने सीएसके की गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और तूफानी अंदाज में खेलते हुए 43 गेंदों में 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ 77 रन की पारी खेली। वहीं जॉस बटलर ने 26, कप्तान संजू सैमसन ने 17 और अंतिम ओवर में ध्रुव जुरेल ने नाबाद 15 गेंदों में 34 और देवदत्त पडिक्कल ने नाबाद 27 रन की पारी खेलकर टीम को 200 के पार पहुंचाया। वहीं सीएसके की ओर से तुषार देशपांडे का 2, वहीं रविंद्र जडेजा और महेश तीक्षणा को एक एक सफलता मिली। 202 के टारगेट को चेस करने उतरी सीएसके की शुरुआत धीमी रही और यही कारण रहा कि पूरे 20 ओवर खेलकर 6 विकेट के नुकसान पर सीएसके की टीम 170 रन ही बना सकी और 32 रन से हार गई। सीएसके की ओर से शिवम दुबे ने अर्धशतक ठोकते हुए सबसे ज्यादा 52 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 47, डेविन कॉनवे ने 8, अजिंक्य रहाणे ने 15, मोइन अली ने 23 और रविंद्र जडेजा ने 23 रन का योगदान दिया। वहीं आरआर की ओर से ट्रेंट बोल्ट की जगह खेलते हुए एडम जंपा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वही रविचंद्र अश्विन ने 2 और न्यू कमर कुलदीप यादव ने 1 विकेट झटका। तो दोस्तों आरआर के सामने लगातार दूसरे मुकाबले में हारने पर सीएसके की इस हार का जिम्मेदार बल्लेबाजी सेशन है या गेंदबाजी, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।